गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना टाइम इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज बनाने लगा हूँ हरी मिर्च का अचार। तो पहले हमने बनाया था करेले का अचार, तो आज हम बनाने लगे हैं हरी मिर्च का अचार। तो ये हरी मिर्चें, फ्रेश ग्रीन चिलीज मैंने ली हैं, इनको अच्छे से धो के साफ करके इनके जो डंडल होते हैं वो निकाल दिए हैं, और बीच में से चाकू से एक स्लिट इनमें लगा दिया है इस तरह से। तो बीच में से इसको इस तरह से कट करके मैंने पहले से ही रख लिया है। तो करीब 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं ये, तो इनको अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से साफ कपड़े से, और बीच में एक स्लिट लगा लें इनको। मसाले की तैयारी करते हैं। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो उसको धुआं आने तक इसको गर्म करना है पहले। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, जैसे तेल में धुआं आने लगेगा गैस को कर देंगे बंद, ताकि इसे ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना। और इसमें डालेंगे मसाले, मसालों में इसमें जाएगी अजवाइन, हींग, जीरा, सरसों। तो तेल गरम है तो इसमें इसी में ही अच्छे से गरम हो जाएंगे। और एक पुराना अचार का मसाला था वो भी मैं इसमें डालने लगा हूँ, तो इसमें भी यही मसाले हैं। और धनिया है कुटा हुआ बारीक, तो ये भी आप इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच। साथ इसमें डालेंगे हम कलौंजी, नाइजेरा सीड्स इनको बोलते हैं। तो तेल में अच्छे से गर्म हो जाएंगे ये। साथ ही इसमें डालेंगे नमक, तो नमक तो अचार में वैसे थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। और हल्दी, धनिया पाउडर तो इसके 2 चम्मच डालेंगे। जीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 चम्मच। तो अभी इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं हम। मिक्स करने के बाद तेल को होने देते हैं ठंडा, और उसके बाद हरी मिर्च के जो अंदर जो हमने स्लिट कर रखे थे उसके अंदर ये मसाला भरेंगे, और कांच की बर्नी में भर के रख देंगे। 4 से 5 दिन में जो मिर्च का अचार है वो बन के तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी ये बनता है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। मसाला धीरे धीरे ठंडा होगा, तो गरम मसाला मिर्चों में ना भरें। जब कभी भी आप अचार बनाएं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ और सूखे होने चाहिए, सभी मसाले सूखे हुए भुने हुए होने चाहिए और साफ़। जिस भी चीज़ का अचार है, आम का है, मिर्च का, करेले का, वो सारी चीज़ें साफ़ और सूखी होनी चाहिए। और कांच की बर्नी में या प्लास्टिक के जार में जिसमें भी आप अचार डालते हैं वो भी बिल्कुल धूप में सूखा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अचार जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और नॉर्मली जब हम अचार डालते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालते हैं, जैसे पूरा डब्बा भर के ही डालते हैं। तो डेली खाने के लिए यूज़ करने के लिए उसे छोटे बर्तन में निकालें, ताकि बार बार वो डब्बा आपको खोलना ना पड़े, कि बार बार आप उसमें खोलेंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर जाता है जिससे कि वो ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि अचार आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता। मैंने मिर्चों को डायरेक्ट मसाले में ही डाल दिया ठंडे होने के बाद, तो इसी में अच्छे से मिला के इसके अंदर अपने आप मसाला चला जाएगा। तो मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और कांच की साफ बर्नी में इसको भर देंगे, और हमारा अचार रेडी है। तो ये देखिए, तो इस तरह से भरने के बाद इसे करीब 15 मिनट तक ऐसे रखें ताकि मसाला मिर्चों के अंदर अच्छे से चला जाएगा अपने आप।